नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप शुभ जन्मदिन स्पेशल, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज जिनका जन्मदिन है उन सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और आप सबके लिए हमारे हृदय से बहुत सारा प्यार। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे। 2 जुलाई बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो 2 जुलाई को जन्म पाए लोगों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा और पूरा साल अच्छा बीते इसके लिए क्या उपाय बताना है, चलिए बताते हैं। अगर आप 2 जुलाई को जन्म पाए हैं तो निस्संदेह ये आपके लिए बहुत सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष कई तरह के झंडे जुगाड़ने हैं आपको। कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम बहुत सकारात्मक होगा, परीक्षा में मन लगेगा और सबसे बड़ी बात भाग्य साथ देगा। तो जो भी पढ़ के जाएंगे वो दिखाई देगा, प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वही सब आया होगा। ये आपके लिए बहुत शुभ है। अगर कोई बच्चा जो 2 जुलाई को पैदा हुआ है, शिक्षा के लिए कहीं अन्य शहर जाना चाहता हो या कहीं पर भी अन्य जगह पर सोच रहा हो, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। निस्संदेह आपका एडमिशन बाहर हो जाएगा। दिसंबर जनवरी के बाद विदेश के अवसर स्वतः खुलेंगे। आप अपने बच्चे को भी भेज सकते हैं अगर उसकी राशि मेष से लेकर मीन तक कोई भी हो, बशर्ते जन्म 2 जुलाई का हो। व्यापार बिजनेस थोड़ा सा फेल दिखाई देता है लास्ट ईयर से, इस बार दिसंबर 2019 तक तो स्थिति डावाडोल है। कई जगह पर आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, कई लोगों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो रही है। समय इस मसले पर थोड़ा सा प्रतिकूलता भरा दिखाई देता है। दिनांक 2 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए जनवरी फरवरी के बाद बिजनेस का कार्य क्षेत्र सकारात्मक रहेगा। व्यापार में किसी प्रकार की ऐसी बाधा नहीं रहेगी जो आपको कहीं से भी परेशान करे। दिनांक 2 जुलाई सरकारी क्षेत्र बताएंगे, पहले प्राइवेट सेक्टर वालों को बता दें। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय अनुकूल तो रहेगा लेकिन 2 बार नौकरी से हाथ धोने की नौबत आएगी। खास तौर पे जो अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं एक्स्ट्रा केयर करें, क्योंकि आपसे कुछ गलतियाँ मेजर हो सकती हैं सितंबर और अक्टूबर में, लगभग 18-19 सितंबर के बाद। दिनांक 2 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए मानसिक द्वंद्व की स्थिति रहेगी, मन से बहुत परेशान रहेंगे। कहीं से भी ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर वाले जनवरी फरवरी में प्रयास करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, पैरवी करके नहीं, ऐसे संकेत है। मार्च अप्रैल में थोड़ा सा ट्रांसफर प्रमोशन के चांसेस बनेंगे प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन जुलाई में ही संभव लग रहा है और अक्टूबर नवंबर में तो लगभग कन्फर्म मान के चलिए, बशर्ते आप 2 वर्ष से प्रमोट ना हुए हों। न्यूली मैरिड कपल्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, पति पत्नी से दूरी बढ़ सकती है उनकी, जो 2 जुलाई को पैदा हुए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में है और जल्दी शादी हुई हो। ये 3 शर्त हैं। दिनांक 2 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए कुछ आर्थिक क्षति गवर्नमेंट सेक्टर वालों को हो सकती है, आपका रुपया पैसा कहीं फंस सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अगर किसी तरह की परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। लाभ के कई अवसर स्वतः खुलेंगे। हो सकता है कि पत्नी दिसंबर जनवरी में आपसे दूर हो जाए। जो 2 जुलाई को पैदा हुए पति हैं
उनसे कई गलतियां अक्टूबर में और फरवरी 2020 में भी होंगी। चार वर्ष के अंदर में जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उनके सेपरेशन की संभावना प्रबल हो रही है। मई जून महीना घातक होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे, एक दूसरे का साथ बना रहेगा। शादी आदि की चर्चा भी आप अगस्त अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं श्राद्ध बचा करके। वैसे तो किसी का सूर्य मजबूत हो तो श्राद्ध उसके लिए बहुत सफल होता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे जो बहुत दिनों से आप कल्पना किए थे कि अब ऐसा करना ऐसा करना, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। स्वास्थ्य, 2 जुलाई को पैदा हुए लोगों का हेल्थ बहुत पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ में कई क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कई तरह से आप प्रसन्न नजर आएंगे। हेल्थ इशू सदा के लिए दूर हो जाएगा, आप बहुत पॉजिटिव होकर के कदम बढ़ाएंगे। प्रसन्नता आपके साथ जुड़ी रहेगी। दवाओं पर से खर्च खत्म होगा। पांव में तकलीफ हो सकती है अक्टूबर नवंबर में। 60 प्लस वाली महिलाओं के लिए स्पाइन प्रॉब्लम और ओरी की दिक्कत हो सकती है, ओरी की गर्भाशय से संबंधित। कुछ थायराइड और आंखों की तकलीफ फरवरी मार्च में संभव लग रहा है। उपाय क्या करना है, 2 जुलाई को पैदा हुए लोग 3 शनिवार लगातार दूध किसी छोटे बच्चे को दे दीजिएगा। पहले एक आज ही दे दीजिएगा, फिर 3 शनिवार लगातार देना है। आज जिनकी शादी की सालगिरह है, 3 बरगद के पौधे एक मिट्टी के गमले में कहीं लगा दीजिएगा। बस इतना सा करिए। आप सबके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मोहब्बत बनाए रखिएगा, खुश रहें, प्रसन्न रहें। 11, 12, 13 पुणे, 14, 15, 16 मुंबई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।